नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको दरभंगा से विशेष कवरेज दिखाते हैं। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड जनता दल यू द्वारा शहीद जगदेव जी के जयंती समारोह का आयोजन प्रखंड अध्यक्ष राम नरेश भगत की अध्यक्षता में स्थान बहादुरपुर के कर्पूरी आश्रम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के कदावर नेता पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील भारती सहनी, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ डॉक्टर अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ कन्हैया साव, बहादुरपुर प्रखंड प्रभारी जदयू सहनाज मंजू, शिक्षा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अमन राय, प्रदेश महासचिव शिक्षा प्रकोष्ठ बिहार मोहम्मद सहनवाज, जदयू के वरिष्ठ नेता देव कुमार झा, विपुल राय सहित सैकड़ों जदयू नेता मौजूद थे। खबर पर बने रहने के लिए फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। जयंती के बारे में सुनील भारती सहनी, राम नरेश भगत, अशोक सिंह ने क्या कहा, हम आपको पूरा कवरेज दिखाते हैं। खबर को पूरा देखिए, धन्यवाद। आज जगदेव बाबूजी का जो है जयंती मनाए, इनका बिहार में क्या योगदान रहा? आज बिहार प्रदेश जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय में शहीद जगदेव बाबू की जयंती बहुत ही धूमधाम से जनता दल यूनाइटेड के द्वारा मनाई जा रही है। और यहाँ भी आज बहादुरपुर प्रखंड में सैकड़ों कार्यकर्ता हम लोग बहुत ही धूमधाम से ये दलित शोषित पिछड़े गरीब गुरुओं की आवाज़ और हमेशा समाजवाद और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए संकल्पित रहते थे, और आज उसकी जयंती और उनके विचार को माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सर जमीन पर उतारने का काम किए हैं और लगातार करते जा रहे हैं। और उन्हीं का जो सुझाव, उन्हीं का विचार है कि आज हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो बिहार में उन्होंने विकास किया, जिसकी चर्चा देश और दुनिया में लोग कर रहे हैं, आज शहीद जगदेव बाबू की जयंती पर हम लोग उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का हम लोग संकल्प लेते हैं और उनके बचे हुए जो उनका जो सोच था, उनका जो बचा हुआ सपना था, उस सपना को सरजमीं पर उतारने का काम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार कर रहे हैं और उनके अरमानों को पूरा करने का काम नीतीश कुमार जी करेंगे। क्या नाम हुआ? सुनील भारती सहनी, पूर्व जिला अध्यक्ष जनता दल दरभंगा। बताइए, आज जयंती मनाए हैं, किस तरह से मनाए हैं? आज हम लोग शहीद जगदेव बाबू का जयंती मनाए हैं, इसलिए मनाए हैं कि उनका जो कर्म था कि इस बिहार के समाजवादी विचारधारा से लैस थे और इस विचारधारा को गरीब गुरबा के बातों को, गरीब गुरबा के आवाज़ों को बुलंदी से रखते थे, जिनको कि लोग हत्या कर दिया। इस आज पूरे धूमधाम से पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बिहार प्रदेश के कार्यालय के दिशा निर्देश पर हर जगह, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहादुरपुर के कर्पूरी आश्रम में भी हम लोग जगदेव बाबू का जयंती मनाए। क्या नाम हुआ आपका? राम नरेश भगत, प्रखंड जदयू अध्यक्ष बहादुरपुर। इस जिस धरती पर जगदेव बाबू जैसे व्यक्तित्व पैदा हो, जिस धरती पर कर्पूरी ठाकुर जैसे, सूरज बाबू जैसे व्यक्तित्व पैदा हो, आज जगदेव बाबू की पुण्यतिथि जन्मदिन पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और उनके जो उनका जो कार्यशैली था, उन्होंने जो एक सपना दिया, एक नारा दिया, जिसको पूरा करने के लिए अपने शासनकाल में हर गरीब का आवाज़ बन चुके हैं नीतीश कुमार, वो पूरे देश में यह मैसेज चला गया है और उनके अगले आने वाले समय में कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और ठीक ही कहा सुनील भारती जी ने, वो लाल किला पर अगले बार झंडा फहराएंगे। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश जनता दल यू, शिक्षा प्रकोष्ठ।